अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ खुबानी की शरबत की रेसिपी शेयर करूँगी। इसको बनाना बहुत ही ईजी है, तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो तीन सौ ग्राम जो 150 ग्राम मैंने यहाँ पर खुबानी का पेस्ट लिया है। अगर आप लोगों के पास पेस्ट ना हो तो आप लोग साबुत खुबानी भी ले सकते हैं और उसको पूरी रात भिगो के रख दें। सुबह आप लोग बनाएंगे तो वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी होगी। इसको भी मैंने 3 से 4 घंटे भिगो के रखा था, तो अब काफ़ी जो है वो काफ़ी अच्छी से सॉफ्ट हो चुकी है। इसको मैं जो है वो चम्मच से भी जो है अच्छे से बना सकती हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको अच्छे से मिक्स करने में। तो मैंने सोचा सो इसको क्यों ना ग्राइंड कर लूँ उसमें डालकर। देखिए ये अच्छी सॉफ्ट हो जाती है। आप लोग जो है वो खुबानी ज़रूर इस्तेमाल किया करें, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसके फ़ायदे आप लोगों को पता हो, आप लोग सर्च करें, आप लोगों को समझ में आएगी। तो रमज़ान में बहुत ज़्यादा इसका शरबत अच्छा होता है, आप लोग पिया करें। और वैसे भी देखिए, हम लोग बीमार होते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, कड़वी भी होती है, पी लेते हैं ना, कहते हैं कि भाई इसके फ़ायदे हैं, हम ठीक हो जाएंगे। इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर किसी को इसका जायका पसंद नहीं है तो इसको दवाई समझ कर पी लें आप लोग, तो बहुत इसके फ़ायदे हैं। यहाँ पर जो है वो मैं 3 गिलास इसमें पानी ऐड करूँगी, ठंडा पानी ऐड करूँगी। अगर ठंडा पानी आप लोगों के पास ना हो तो आप इसके अंदर जो है बर्फ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने शुगर ऐड किया है 4 टेबल स्पून, हाफ टी स्पून मैंने काला नमक ऐड किया है इसमें, और लेमन जूस जो है वो 2 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है। अगर आप लोगों के पास काला नमक ना हो तो रेगुलर नमक जो हम लोग यूज़ करते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। लेमन ऐड कीजिएगा, लेमन की भी बहुत फ़ायदे हैं, उसका भी इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा, तो वो ज़रूर ऐड कीजिएगा। मैं 2 टेबल स्पून ऐड करूँगी। अगर आप लोगों को ज़्यादा पसंद हो तो आप लोग थोड़ा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं शुगर। अगर आप लोगों को मीठा कम या ज़्यादा पसंद है, अपनी मर्ज़ी से ऐड कीजिएगा। तो पानी मैंने 3 गिलास ऐड किए। देखिए मैं चम्मच बीच में भूल ही गई थी, ऐसी गलती आप लोग मत कीजिएगा। पहले भी मेरे कैसे जूस मेरा ख़राब हुआ है, बीच में मैंने चम्मच छोड़ दी और उसको जो है मैंने चला दिया था, तो जग ही टूट गया था। आज भी मैं भूल गई थी, लेकिन चलो पता चल गया था मुझे। अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे, इसको बनाएंगे। जूसर में ये कि जल्दी बन जाएगा, तो आप लोग इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। और प्लीज़ आप लोग ये बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया करें, रमज़ान में ज़्यादा किया करें। आपको रमज़ान में बहुत ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा देगा, आप लोगों को कमज़ोरी फील नहीं होगी। तो ये देखिए ये अच्छे से बन के तैयार हो चुकी है। अगर पानी ज़्यादा ऐड करना चाहें, आप लोगों की मर्ज़ी है, जितना आप लोगों को पसंद हो, जायका कैसा पसंद है। तो ये देखिए ये हमारा तैयार हो गया, छोटे कप में बच्चों के लिए डालेंगे, खुशी से पी लेंगे बच्चे भी। तो चलें आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो और भी अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को। बाय, टेक केयर। रिक्वेस्ट हो।